नमस्कार, मैं शतंद्र कुमार सिंह। हम लोग जैसे जैसे कोयला उद्योग में कार्यरत ट्रेड यूनियन व इसके नेतृत्वकर्ताओं की चर्चा कर रहे हैं, दिनों दिन नित नए नए तथ्यों का उजागर हो रहा है। कोई नेता एक दूसरे को करोड़पति होने का दावा करता है तो कोई नेता एक बोतल दारू में JBCCI की मीटिंग को बेचने की बात करता है। आज हम बात कर रहे हैं इंटक के एक गुट जिसका नेतृत्व KN त्रिपाठी कर रहे थे, उन्हीं के कमिटी में काम करने वाले महासचिव के पद पर पदस्थापित रामेश्वर सिंह फौजी ने KN त्रिपाठी को ही भ्रष्ट बताकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें निष्कासित करने का दावा किया है। मिस्टर फौजी का यह कहना है कि उन्हें पांचवें महीने में मतलब मई में उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है और जनवरी में ही वे बतौर अध्यक्ष की हैसियत से कुछ क्षेत्रों में रसीद काट कर पैसे की उगाही कर लेते हैं। क्या उन्हें पता था कि हम अध्यक्ष बनेंगे, या फिर जिन्हें सचिव बनाया गया उन्हें मालूम था कि वे महासचिव पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने दोनों ने साइन कर दिया, अध्यक्ष बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बतौर महासचिव। अब स्थिति ये बन गई कि उन्होंने KN त्रिपाठी के गुट पर आरोप तो लगा दिया, अब KN त्रिपाठी के गुट के महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार यह कहते हैं कि वह आदमी क्या बात करेगा जो खुद ही उसके चाल चलन में या कई मायने में छेद भरा हुआ है। फौजी पर डॉक्टर संतोष ने आरोप लगाया है कि वे जेल चले गए थे महासचिव बनने के बाद, उन पे एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। अब वह क्या बात करेगा, हम लोगों को चरित्र बताएगा जो खुद जिसका चरित्र बहुत बेहतर रहता तो वो शायद किसी महिला द्वारा आरोप लगाने के बाद वह जेल नहीं जाता। खैर, जो भी हो, रामेश्वर सिंह फौजी के तमाम आरोपों को डॉक्टर संतोष ने खारिज करते हुए कहा है कि उनके द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी के सभी आरोप निराधार हैं, कोई उसका आधार नहीं है। इवन उनका नाम ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वे क्या दावा करेंगे और कैसे कहेंगे कि हम ट्रेड यूनियन के महासचिव हैं। अगर वे महासचिव होते तो उनका नाम ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के खाते में रजिस्टर में जरूर होता, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। कारण यह है कि उन्होंने कभी भी यूनियन से संबंधित कोई बेहतर काम नहीं किया, जब भी उन्होंने काम किया तो यूनियन विरोधी काम किया, संगठन के विरोध में उन्होंने काम किया, जिसके कारण उन्हें शो काउज किया गया था और शो काउज का जब उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तब उन्हें निष्कासित कर दिया गया और हम लोग रांची में ही एक आम सभा बुलाकर कमेटी का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर संतोष कुमार महासचिव बनाए गए और KN त्रिपाठी अध्यक्ष बने। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है, अब वो नहीं कहीं है तब वो गलत सलत आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष या हमारे संगठन के लोग महा प्रबंधक से पैसे की मांग करते हैं या पैसे की गुवाही करते हैं। यह बिल्कुल ही निराधार और गलत है। सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के मामले में झारखंड के रजिस्ट्रार फंसेंगे,
क्यों फंसेंगे? इसलिए फंसेंगे कि जब बिहार राज्य के रजिस्ट्रार निबंधक ट्रेड यूनियन ने 2017 में निबंधन रद्द करने की नोटिस जारी कर दी, तो 2013 में झारखंड के रजिस्ट्रार ने कैसे एक व्यक्ति विशेष का नाम फॉर्म बी में चला दिया? कैसे चढ़ा दिया? क्या एक यूनियन का दो राज्यों में अलग अलग फाइल हो सकता है? टेक्निकली ये गलत है। इसलिए इस मामले में झारखंड के रजिस्ट्रार फंसेंगे और उनका संगठन उनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि उन्होंने गलत किया। रह गई बात इंटक की, तो इंटक के बारे में उन्होंने एक नया खुलासा कर दिया। 1947 से कार्यशील फेडरेशन को छोड़कर 2007 में डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने इंटक को भी छोड़ दिया और इसे भी छोड़ दिया और नए इंटक का उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। ऐसी स्थिति में जब इंटक उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, फेडरेशन उन्होंने छोड़ ही दिया है, तो फेडरेशन भले ही किसी यूनियन को या यूनियन के साथ वो अपना संबंध कायम कर सकता है, लेकिन एक यूनियन दूसरे यूनियन को अपने अधीन संबद्धता नहीं दे सकता है। ऐसे में केवल दिल्ली और NCR में ही रेड्डी गुट का क्रियाशील होना संभव है, वह दूसरे राज्यों में काम नहीं कर सकता। अब यह नया खुलासा हुआ है, अब इस संबंध में अब रेड्डी जी क्या कहेंगे या उन्होंने क्या कहा, इस पे हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग यह देखें कि डॉक्टर संतोष ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए क्या कहा। रामेश्वर सिंह फौजी से क्या विवाद हो गया है? रामेश्वर सिंह फौजी ने जब उनको बनाया गया था 2013 में चुना गया था उनको RCMS का, के तिवारी भी आए थे उसमें, उसके बाद उन्होंने संगठन के उसमें कुछ काम विशेष किए। दूसरा चीज था कि एक केस हो गया था उनके ऊपर, तो उस केस में उनको जेल जाना पड़ा, महिला ने कोई आरोप लगाया था उनके ऊपर। अच्छा, तो उसमें भी जाना पड़ा था। 376 का मामला था क्या? हाँ, वही कोई बलात्कार वगैरह का था, उन पर केस हुआ था। अच्छा, तो उसमें जेल में वो रहे। उस वक्त चुनाव हुआ यूनियन का, रजिस्ट्रार ने कहा था कि आप चुनाव फिर से जमा कीजिए, नोटिस दिया था सभी यूनियन को, मैंने जो भी पार्टी थे ना उसके लिए। तो उस वक्त चुनाव हुआ तो सब लोगों ने मिलकर के हमको चुना था, जनरल सेक्रेटरी रांची में चुनाव हुआ था सारे प्रतिनिधियों ने। तो उसके बाद जब वो जेल से आए तो हमने उनको इस्तीफा दे करके सौंपने का ही किया कि भाई कार्यभार इनको दे दिया जाए, लेकिन कुछ कमी पाया गया संगठन विरोधी उनको दिया गया था, कारण बताओ नोटिस, तो उसका जवाब नहीं दिए। उसको एक वक्त में सारे प्रतिनिधियों का ही था कि भाई इस पर कार्रवाई करो, तो करो, सभी लोगों ने मिलकर कार्रवाई किया इनके ऊपर। हमने तो उनको प्रयास किया था कि उनको दे दिया जाए कार्यभार, हम तो इस्तीफा दे करके हम चाहे थे कि जब आ गए वो वापस तो उनको दे दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा संगठन विरोधी हुआ जिसका जवाब वो नहीं दे पाया, देना चाहिए था उनको जवाब, जाना चाहिए था जनरल जो मीटिंग हुई थी ना कार्यकारिणी की, तो हमने भी आग्रह किया था उनको। यही सब रहा विवाद के कारण। और उनका ये आरोप है सर, गोमिया थाना में ही मामला उन्होंने दर्ज कराया है आप लोगों के, आपके और पार्टी सी के विरुद्ध में, उसमें उन्होंने प्रशासन का मामला ही नहीं बनता है, ये रजिस्ट्रार का मामला है, यूनियन का संबंधी प्रशासन इसमें थोड़ी है। कोई हमने तो SP साहब से भी बात किया था, जा साहब से, प्रशासन का इसमें कोई हस्तक्षेप का मामला बनता ही नहीं। नहीं नहीं, तो उन्होंने अमानत में खयानत का मामला दर्ज कराया है ना? अरे भैया वो करते रहते हैं फौजी जी का, उसको सब अमानत में खयानत प्रशासन क्या करेगा, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन का मालिक होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ जाए उनका अगर नाम भी होगा रजिस्ट्रार के यहाँ तब ना वो बनेंगे, तो करस्टेंडी तो है ही नहीं है, रजिस्ट्रार उनको जानता भी नहीं है कि कौन है रमेश्वर सिंह फौजी।
अच्छा, तो रजिस्ट्रार के यहाँ किन का, आपका और त्रिपाठी जी का नाम है? हाँ वो अध्यक्ष है, हम चुने चुने हुए जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस जमा नहीं किया, पिछले बार भी जमा नहीं किया, कोई रिटर्न फाइल नहीं किया आज तक यूनियन का। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार में यूनियन का मालिक होता है सर। हाँ, वो तो होता ही है। हाँ प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करता है इस मामले में। मैं मालूम है, हाँ वो तो आज आप देखे भी होंगे शायद। जी, तो रजिस्ट्रार ने हम लोगों को नोटिस दिया था कि आप चुनाव जमा कीजिए, आपने आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। हम लोगों ने विधिवत उसके बाद ALC को डिपुट किया गया था धनबाद में। हम लोगों ने पूरे कार्यकारिणी के साथ जाकर के हमने विधिवत सारा चीज जमा किया, रिटर्न और मेंबरशिप का सारा दस्तावेज को जमा कर अच्छा, और चुनाव का हाँ। हम लोगों से मांगा गया था, पूछते अगर रजिस्ट्रार ने कुछ मांगा है कमेंट तो दिखाएंगे कहाँ मांगा है रमेश सिंह फौजी जी से। जी। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि आप लोग जो है इंटक, ये राष्ट्रीय कुल मजदूर संघ, 4 गो गुट चल रहा है, तो इसमें आके निबंधक तो सब बिहार का जो श्रम, आपका क्या बोलते हैं उसको, श्रमिक संघ का जो निबंधक है, तो सबका निबंधन रद्द कर दिया, तो अभी अब आप लोग क्या करेंगे? निबंधक किसमें फंसेंगे, झारखंड के रजिस्ट्रार को हम लोग जब जा रहे हैं अभी फंसाने के लिए। जब कैसे? 2017 में वहां कैंसिल किया गया रजिस्ट्रेशन, हाँ तो 2013 में झारखंड के रजिस्ट्रार कैसे फार्म बी में नाम दर्ज कर सकते हैं। ललन चौबे का नाम दर्ज इन्होंने किया 2013 में जब मंत्री थे तो, हाँ चंद्रशेखर दुबे, अच्छा, और उस समय इनका नाम दर्ज किया। 2017 में वहां का रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहा है। एक 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 यूनियन का जो है दो जगह फाइल कैसे चलेगा, ये तो मामला फंस गया ना, रजिस्ट्रार के इसमें फंस गया है मामला ये। अच्छा, फंसेंगे बिल्कुल फंसेंगे, आप दो जगह कैसे इसको एक्टिंग एक्टिंग में, यहाँ झारखंड में भी एक्टिंग में है वो फाइल और बिहार में भी है। बिहार में एक्टिंग में था तब ना 2017 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का नोटिस दिया उन्होंने। अच्छा, आइए 2013 भी कैसे इंटरवेनर हो गया, यहाँ कैसे इंटर किया गया, रजिस्टर कैसे खुला उस यूनियन का, मंत्री के प्रभाव प्रभावित कर करके इन्होंने हृदय दुबे ने इस यूनियन को मैनिपुलेट किया यहाँ झारखंड में रजिस्ट्रार से मिलते उस समय। नहीं तो हमारा ये सवाल है कि जी ठीक है जो हुआ सो है, लेकिन ये एक नंबर पे तीन तीन चार चार लोग जो दावेदारी कर रहे हैं, जैसे रेडी गुट अलग कर रहा है, ददई गुट अलग कर रहा है, आप लोग का अलग है, तो आखिर सही, आखिर एक रजिस्ट्रेशन को कै नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ इस पर। ये लोग तो थे ही इसमें, ये जो रेडी गुट तो थे ही इसमें, यूनियन चला ही रहे थे हर जगह, ये मैनेजमेंट के इसमें बैठते भी थे, PA DA को मिलता था, सब कुछ मिलता था। हाँ 2007 में ये इंटक को फेडरेशन को ही छोड़ दिए ये लोग और नया रजिस्ट्रेशन करा लिया, अलग हो गए उससे। जो जो 247 का जो इंटेक्ट चल रहा था उसको, उससे ये अलग हो गए, जैसे अलग हो करके दूसरा यूनियन रजिस्ट्रेशन करा लिए ये ट्रेड यूनियन एक्ट में। उसका कार्य क्षेत्र दिल्ली और NCR हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान में तो यूनियन चला ही नहीं सकते हैं, तो यूनियन को एफिलिएशन कैसे दे सकते हैं। हम लोगों ने उसके बाद 1947 वाले फेडरेशन को बचाया और RCMS क्या है, पार्ट एंड पार्सल है इसका, इंटक का, इसको भी हम लोगों ने बचाया और हम लोग इसको लेकर चल रहे। मैंने उनका तो नाता खत्म हो गया, मैंने इंटक का जो ओरिजिनल है वो तो लोगों ने छोड़ दिया है, बिल्कुल 2007 में छोड़ दिया, पूछिए ना उनसे, रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने, रेजुलेशन पास किया उससे अलग हट करके सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा लिया उसी नाम से इन्होंने, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है। फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन थोड़ी होता है, फेडरेशन तो एक गवर्निंग बॉडी होता है जो क्लियर यूनियन के द्वारा चुना जाता है, उसमें कहाँ है ये लोग, रेडी जी है ये नहीं है उसमें, इसीलिए ना उनको बाहर कर दिया गया हर जगह से। वो लोग तो यूनियन में हर जगह बैठते थे, हर मैनेजमेंट से आर्गूमेंट करते थे, एग्रीमेंट करते थे, JBCCI से लेकर सब जगह, इसी कारण से उनको हटाया गया। तब वो लोग छोड़ दिया तो हम लोगों ने उनको बचाया उस यूनियन को और आज लेकर के चल रहे हैं, RCMS को भी हम लोग बचाए। तो कैसे यूनियन यूनियन को कैसे एफिलिएशन देगा सर, आप तो जानकार आदमी है। नहीं तो हमको जानकारी, लेकिन सवाल लेके अब इतना फंस गया मामला के, अब वही जानना है ना सबको अपना मामला, ऐसा नहीं है लटकाया जा रहा है, तो हार चुके हैं 2014 में ही दोनों आप, उसको केवल लटका रहे हैं अपील में जाके इधर से उधर लटकाए।
तो 2014 में ही इनका अपील को खारिज कर दिया हाई कोर्ट रेड्डी साहब का, पटियाला हाउस कोर्ट डिसीजन दे दिया था। अब उसको लटकाने का काम कर रहे हैं कोर्ट में, जानते हैं ना कि जाके अपील में लटकाना ये करना वो करना, तो वो तो कोर्ट गया तो लटक ही जाएगा मामला। हाँ, तो इसलिए लटका रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा जो है सच्चाई तो आएगा ही सामने। विलम्ब होता है, राम मंदिर का मामला देखे कितना दिन चला, लेकिन जो सही था उस पर आया डिसीजन, आया यही होगा। इन तक मामले में कुछ समय लगेगा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।